नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं रणेंद्र। एक बुरा सपना कल रात था जब भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब जीतने से दूर रह गई। 140 करोड़ भारतीय जो हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा, करोड़ों जो क्रिकेट फैंस हैं उनका दिल टूटा, और हमारे जैसे जो कुछ क्रिकेट के से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें भी नाउमीदी मिली, और उन खिलाड़ियों का तो और ज़्यादा बुरा हाल था जो ग्राउंड में 11 प्लेयर खेल रहे थे। फील्डिंग का वक्त था ही चलते, इसलिए कहीं ना कहीं वो सभी के सभी प्लेयर जो प्लेइंग 11 के थे वो ग्राउंड पर ही थे। भारी मन से सभी ड्रेसिंग रूम की तरफ लौटे थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इंडिया टीम कहाँ पे कमजोर पड़ गई। तो स्कोर बोर्ड का जो हमने आकलन किया उसमें हमारी समझ कहती है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में देंगे हमारे इस वीडियो को जब देखेंगे तो, और हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम स्कोर बोर्ड को जो देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि जुबा जोश जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, या कहें कि अंतिम मैच में बुरी तरह फ्लॉप रहे। स्कोर बोर्ड का जो डाटा बता रहा है, शुभमन गिल 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए, श्रेयसर अय्यर 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए। एक और जो नए प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव 28 गेंद में 18 रन बनाकर आए आउट हुए। एक और प्लेयर बाकी जो तीन अनुभव, अगर इंडिया का क्या स्कोर बोर्ड पर 240 का टैग लगा उसमें तीन अनुभव जो हैं अनुभवी प्लेयर वनडे मैचों के, उन्हीं का कुछ स्कोर बोर्ड के हिसाब से कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन है, जिसमें 31 गेंद में 47 रन 151 के स्ट्राइक रेट से कप्तान रोहित शर्मा का, और 85.71 मतलब 85-86 के स्ट्राइक रेट से विराट कोहली का 63 गेंद में 54 रन, और 107 गेंद में 66 रन केएल राहुल का है जो कि 61.68 मतलब 61-62 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया। तो ये तीन जो युवा जोश थे जो कि पूर्व के मैचों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इसीलिए टीम में कंटिन्यू कर रहे थे, शुभम गिल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयसर अय्यर, ये तीनों की असफलता कहिए या अनुभव की कमी के कारण जो वर्ल्ड कप में जो प्रदर्शन देना था फाइनल मैच में, जो प्रतिष्ठा का मैच था, वहाँ पे तीनों सुपर फ्लॉप साबित हुए। और जो अनुभव थे तीनों वो एक अच्छा स्कोर करने के बाद भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए जो कि इस वक्त में करना चाहिए था जब आपके युवा बल्लेबाज जिन्हें अनुभव कम था वो जब फ्लॉप कर रहे थे, जिसमें रोहित शर्मा की बात करें जब शुभमन गिल आउट हुए थे तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर ही रहे थे, कमेंटेटर का हम सुन भी रहे थे कि जब 10 रन उस ओवर में आ गया था तो फिर उतना रिस्क लेकर के लंबा शॉट खेलने की कोई जरूरत वहां पे नहीं थी। उसी प्रकार विराट कोहली की बात कर लें तो विराट कोहली जब हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके थे उस वक्त में वो प्ले डाउन हो गए। और एक सूर्य कुमार यादव की बात अगर हम करें, केएल राहुल की, तो बहुत धीमा खेला उन्होंने, 107 गेंद 66 रन बनाने में उन्होंने लिया, तो उस हिसाब से भी कमेंटेटर लोगों का जो था ओपिनियन इनके प्रति बहुत ये नहीं था। उनका था कि कम से कम जब प्रेशर में है तो चौके छक्के नहीं आ रहे हैं तो सिंगल डबल करके स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए था, और पर ओवर में 2 रन 3 रन के एवरेज के हिसाब से जो लोग बना रहे थे उसमें, तो ये कहा जाता है कि मतलब केएल राहुल और उसमें रविंद्र जडेजा थे पिच पर, तो बहुत स्लो खेला इन लोगों ने, तो इस कारण से भी तो मेरा जो ओवरऑल ये कहा जाता है, और इसका प्रेशर हुआ कि चूंकि स्कोर बोर्ड पर रन कम अंकित था इसलिए इसका प्रेशर गेंदबाजों पर पड़ा। हालांकि शुरुआती गेंदबाजों ने, तेज गेंदबाजों ने तो विकेट निकाला, 10 ओवर के अंदर का 3 विकेट गिरा दिया था तो निकाल लिया था, तो बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन बाद में जाकर स्पिनरों ने वो दबाव नहीं बना पाया। तो ले देकर के बाकी पिच का दोषारोपण और टॉस का पक्ष और ये सब सारी बातें तो है, लेकिन ये जो एफर्ट होना चाहिए था इंडियन टीम का वो एफर्ट नहीं दिखा, और इसमें प्रमुख वजह बने तीन जो युवा जोश थे, गिल, अय्यर और ये सूर्य कुमार यादव।
ये 300 जो उम्मीदें थी, 3 में से एक भी बल्लेबाज नहीं चल पाए। अगर एक भी चल गए होते तो इंडिया का स्कोर कहीं ना कहीं 50-60 रन और ज्यादा होता, मतलब करीब 300 के आसपास का स्कोर होता, तो इंडिया बहुत अच्छा फाइट देती और हो सकता है कि वर्ल्ड कप आज हमारा होता। तो चलिए, जो होना था वो तो हो गया और हम लोग का जो 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे, दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में 2011 में हम जीत पाए थे, तो 28 साल का वक्त लग गया था। उम्मीद थी कि अब हम बहुत जल्द 2011 के बाद 2023 में 12 साल के अंतराल में ही दूसरा वर्ल्ड कप, तीसरा वर्ल्ड कप हम ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगली बार प्रतिस्पर्धा में बने के लिए हमें 4 साल का और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि 2027 के आसपास जब वर्ल्ड कप होगा तो फिर एक बार हम उम्मीद पालेंगे कि इंडिया चैंपियन बने। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वो तो भविष्य के गर्त में है। 4 साल बाद तक खेलेंगे, इंडिया का स्वरूप क्या रहता है नहीं रहता, ये बहुत सारी बातें हैं। तो फिर भी अब ऑस्ट्रेलिया जीती है, बधाई का पात्र है, 6ठी बार चैंपियन बना और विश्व रिकॉर्ड ही एक तरह से उनके नाम हो गया है कि देश के अंदर देश के बाहर सब जगह वो जीत जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया टीम को, उनके कप्तान को बधाई। और वहाँ का जब फाइनल मैच हुआ तो उसका कुछ मोमेंटम का कुछ तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को दिया गया था, कुछ मोमेंटम है। चलिए हम आपको ये चलते हैं उस ग्राउंड की तरफ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, दिखाते हैं। और उससे पहले एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए आपको ले चलते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ और कुछ नवादा शहर का जो मोमेंटम है, उस दौरान किस प्रकार बराबर LED वगैरह लगाया गया था, LCD लगाया गया था, जिस पर लोगों ने मैच का आनंद ले रहे थे। हालांकि जैसे जैसे विकेट गिरना बंद हुआ 3 विकेट के बाद, तो निराशा लोगों में छाई, लेकिन उसके पहले का जो जुनून था, किस प्रकार भारत माता की जय, वंदे मातरम, छठी मैया की जय के नारे लग रहे थे नवादा की सड़कों पर, वो भी हम आपका मोमेंटम दिखाते हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको अहमदाबाद स्टेडियम और नवादा शहर की सड़कों। बने कप्तान बदल दीजिए, टीम बदल दीजिए, गर्व जरूर महसूस होगा हर भारतीय को जिस तरीके से भारत ने इस पूरे विश्व कप में खेला है। लेकिन ये भी सच्चाई जिसे स्वीकारेंगे कि आज की इस फाइनल की शाम ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी और ऑस्ट्रेलिया कहलाई जाएगी विश्व चैंपियंस अगले 4 सालों तक। बहुत उम्मीद थी रोहित शर्मा को T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, उसके बाद खेलने का अंदाज बदला, इसीलिए उम्मीद भी बनती थी भारतीय फैंस की। बहुत निराश है, आंखें नम है। अब जान रेपुटेशन में खड़े उतर के ऑस्ट्रेलिया के द मेन इन येलो 2023 विश्व कप के चैंपियंस। 2011 से वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि घर में आप आपको ऐसे आउट नहीं होते, जब 50 बनते तो 100 बनते हैं, तो ये एक रोहित शर्मा का पहले टर्निंग पॉइंट था। लेकिन 40 पे 5 बार आउट हुए, तो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं था कि मैच हारे भारत। विराट कोहली जिस तरह से आउट हो गए उस समय पर अनएक्सपेक्टेड, वो एक बड़ा बड़ा झटका भारत के लिए था, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा बोनस। मेरे लिए सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है वो जो 10 ओवर से लेकर 40 ओवर के बीच में जो कोई बाउंड्री मारने का प्रयास जो है वो कम हुआ है, वो इंटेंट नजर नहीं आया। नहीं तो हमने देखा भारतीय टीम में हर बल्ले के पास वो काबिलियत है, शॉर्ट बॉल होती है लगातार वो फुल कट उस पर लग। विराट कोहली to the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and Mr. Richard Marx, the Deputy Prime Minister of Australia. Well, thank you, Pat. I now request you to go and collect the World Cup from the Honourable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and congratulations to Australia. It's many congratulations to Australia. उन्नीस सौ सतासी में पहली बार और आज 2023 में छठी बार विश्व कप का ताज, विश्व कप की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम। बड़े मंच पे आते हैं, रेपुटेशन लेके आते हैं, वो रेपुटेशन कायम की है ये फाइनल्स को, इन बड़े हाई प्रेशर मुकाबलों को अपनी जिद के साथ, अपने क्रिकेट के साथ, अपनी काबिलियत के साथ जीतने की।
भारत में आके ऑस्ट्रेलिया के नाम 2023 की आईसीसी विश्व कप प्रतियोगिता वर्ल्ड चैंपियंस छठी बार पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलियन टीम। ये 2011 से जो ट्रेंड है कायम हुआ था, सबकी उम्मीदें थी कि वो ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा, लेकिन उस अंदाज से खेले, उस चैंपियंस के अंदाज से खेले आज इस फाइनल की शाम। पैट कमिंस वो कप्तान जैसे दो मुकाबले में कप्तानी की थी इस प्रतियोगिता से पहले, शुरुआत में आलोचना हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे गया उनकी कप्तानी में निखार आया और आज शायद एक कदम भी गलत नहीं रखा। चेहरे बदले हैं, कप्तान बदले हैं, लेकिन इसी ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी डाले आपने बहुत बड़े बड़े दिक्कत देखी और आज एक बार फिर से छठी बार 13 एडिशन इस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जिनमें 6 बार चैंपियन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की ये टीम। विरासत है ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की जिसे आज कायम रखता है पैट कमिंस की इस टीम ने। हमारे साथ भारत